जिस तरह से सारण में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसको लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने तरीके एवं अपने निजी कोष से राहत सामग्री भी बांट रहे हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का कष्ट कम नहीं हो रहा। वहीं आज जमनौर प्रखंड के शेखपुरा पंचायत के पूर्व मुख्य लाल बाबू राय द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र के चैनपुरा गांव में सूखी सामग्री चूड़ा मीठा कई लोगों के दरवाजे जाकर बांटते नजर आए। वहीं अपने पंचायत के दुखन मोड़ पर अपने निजी राशि से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आज से भोजन की व्यवस्था बाढ़ खत्म होने तक शुरू कर दिए हैं। उनके इस मुहिम में वहां के सरपंच भरत राय, सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र राय और कई सहयोगी मौजूद रहे। उनके इस तरह के कार्यों का क्षेत्र के लोगों में एक अच्छी मिसाल बन रही है, जो कि अभी वर्तमान में मुखिया नहीं रहते हुए लाल बाबू राय द्वारा इस तरह का विकट परिस्थिति में भी अपनी जनता के लिए खाने का शिविर चालू किया गया, साथ ही सूखी सामग्री भी उनके दरवाजे पर जाकर देने का काम कर रहे हैं। से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से पूरा हो गया सरपंच जी, आप मुखिया जी के साथ सम्मिलित रूप से आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्व मुखिया जी जो है अपने निजी फंड से जितने भी हमारे जनता भाई को शेखपुरा पंचायत को मदद करने जा रहे हैं, इसके साथ मैं भी सम्मिलित हूँ। और हम लोग जो चूड़ा और मीठा का जो वितरण करते हैं, साथ साथ चीनी है जहाँ पर मीठा नहीं है इसमें, तो हम लोग भेंट के लिए आए हैं। इस बाढ़ के चलते जितना भी क्षेत्र में है सब लोगों के पास जाएंगे शेखपुरा पंचायत में, लेकिन हम लोग शुरू किया है चंदपुरा से। आइए भेंट के रूप में मीठा चूड़ा है, लेकिन बाकी चीज़ जो भी घटेगा ये लोग जहाँ मांग करेंगे वहाँ हम लोग पूरा करेंगे। और शिविर चल रहा है एक जगह, दो तीन जगह और चलाएंगे जहाँ के लोग मांग करेंगे कि मुझे इस जगह में चाहिए, शेखपुरा में चाहिए, चंदपुरा में चाहिए, पैगा काला में चाहिए, वहाँ तक हम लोग हमेशा के लिए तैयार रहेंगे जब तक बाढ़ यहाँ पर उपस्थित रहेगी। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम भरत राय है, मैं यहाँ के सरपंच हूँ शेखपुरा पंचायत का। जिस तरह से सारण में बाढ़ की गतिविधि बढ़ गई, वहीं शेखपुरा में भी बाढ़ ग्रसित हो गया है, और इसको लेकर मुखिया जी आपकी तरफ से किस तरह का पहल किया गया है? जहाँ जहाँ बाढ़ की पीड़ित लोग हैं सब जगह जो है सो हम चिवड़ा और मीठा का वितरण कर रहे हैं, और भी जिनको जो तकलीफ होगा वह मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आज जो मैं बोल रहा हूँ लाल बाबू राय पूर्व मुखिया हूँ। अभी वर्तमान में आपके द्वारा भोजन की भी व्यवस्था कराई गई है, और जो दुखन चौक पर महावीर स्थान पर भोजन का व्यवस्था, जब तक ले पानी की व्यवस्था खराब रहेगी तब तक ले भोजन की व्यवस्था चलती रहेगी। अभी आप किस क्षेत्र में आए हुए हैं? अभी जो है सो हम चंदपुरा गांव ग्राम में हैं, और सब लोगों को चिवड़ा का वितरण कर रहे हैं। लगभग कितना पैकेट का वितरण? करीब करीब 500 पैकेट अभी लाए हैं, वितरण हो रहा है, और जो है सो घर पर पैक हो रहा है, पूरे पंचायत में मैं वितरण करूँगा। और लोगों को किस तरह से सुझाव देंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि बाढ़ का पानी भी बढ़ गया और बच्चे कहीं ना कहीं पानी में जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहने का मतलब है कि ये लोग ऊपर जगह लेकर के चले जाएं, उन लोगों को तिरपाल देने के लिए मैं सक्षम हूँ। या जो आप दे रहे हैं किस फंड से दे रहे हैं? मैं अपने निजी फंड से दे रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा और किस पंचायत के आप पूर्व मुखिया हैं? हम शेखपुरा पंचायत के लाल बाबू राय पूर्व मुखिया हैं। जिस तरह से शेखपुरा पंचायत में बाढ़ ग्रसित यह भी हो गया है, और पूर्व मुखिया लाल बाबू राय के तरह सौजन्य से भी भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? लाल बाबू राय पूर्व मुखिया जो हैं सो शेखपुरा पंचायत में चिवड़ा मीठा और तिरपाल का भी वितरण करते हैं, और दुखर मोड़ पर भोजन का व्यवस्था किए हैं। उनके द्वारा किया गया है शेखपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया लाल बाबू राय। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है रविंदर राय। घर कहाँ है आपका? पैगा काला शेखपुरा।